उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करने का कष्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी मेरे मंत्री सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री आशीष पटेल जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री मुन्नूलाल कोरी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, मान्य विधायक श्री शशांक वर्मा जी, मान्य विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह कमेटी श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में उनका पूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। पूरे देश के अंदर इस अवसर पर जिन कार्यों और जिन मूल्यों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश स्मरण करता है, उस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक आज राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ भी जुड़ रहा है। आज प्रातःकालीन ही एक रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान किस श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति स्मरण करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की उन कुत्सित चालों को समय से समझते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय रियासतों को दी गई उस स्वायत्तता को जिस सूझबूझ के साथ राष्ट्रीय एकता के बंधन के साथ उन्हें जोड़ते हुए 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया, वह आज वर्तमान भारत के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें जो उस समय भारत गणराज्य को आंखें दिखा रही थी, वे जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में उन्हें समझाने का कार्य भी किया गया, और आज इसका परिणाम है कि जूनागढ़ हो या हैदराबाद या भारत के सभी वे रियासतें जो भारत के अंदर आज जुड़ करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, यह अगर किसी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया तो इसके शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता अखंडता के इस महान शिल्पी का स्मरण आज भारत के लिए वर्तमान पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों ने सम्मान को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था। वे मानते थे कि देश के सम्मान का अधिकार केवल एक व्यक्ति या परिवार को है, इसके सिवाय किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद देश के ऐसे
रत्नों को, ऐसे नायकों को, महानायकों को देश की जनता के सामने प्रस्तुत करके राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करके और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। आज आप देख रहे होंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात के सरदार सरोवर में केवड़िया के पास स्थापित होकर के आज अपने आप में तीर्थ स्थल बन चुका है। देश और दुनिया का हर व्यक्ति आकर के केवड़िया जाकर के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, देश की एकता अखंडता के लिए उनके दिए गए योगदान का स्मरण करता है। ये हमें इस बात का एहसास कराता है कि राष्ट्र नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, और कोई भी स्वावलंबी राष्ट्र अपने राष्ट्र नायकों को विस्मृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके यह कार्य न केवल गुजरात के सरदार सरोवर के केवड़िया में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके संदेश दिया है, बल्कि आजाद भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़ इसी एकता के रूप में कि हम सब भारत के नागरिक के रूप में टीम वर्क के साथ मिलकर के न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के रूप में हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए इस राष्ट्र शिल्पी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, जिन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, वह आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प यह लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था, और उसी तर्ज पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वर्तमान की परिकल्पना है, जो साकार हो रही है, जिसे हम मूर्त रूप में होते हुए देख रहे हैं, वास्तव में इसके स्वप्न दृष्टा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसे साकार कर रहे हैं भारत के वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हम सब इस अवसर पर संकल्प लें कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी हर नागरिक को भारत के लिए करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उन संकल्पों के साथ जुड़ करके भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वर्ष में दो कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम को जिस उत्साह के साथ आप सभी नागरिक बंधुओं को इस आयोजन के साथ जोड़ करके यहां पर इस स्मारक समिति आयोजित कर रही है, इसके लिए मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए इस अवसर पर इस कार्यक्रम का शुरुआत करने वाले श्री राम कुमार वर्मा, जिन्हें आज से 25 साल 30 साल पहले जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।